हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टूडेंट पॉइंट। सो आज हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी, 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ 5 प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा पीपल फेस ट्रेड ऑफ, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप। थर्ड वन इज प्रेशर, पीपल थिंक एट द मार्जिन। फोर्थ प्रिंसिपल इज पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। फिफ्थ वन इज ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। व्हाट इज इकोनॉमिक? इकोनॉमिक्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केयर रिसोर्सेज। यानी जो हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं वो इकोनॉमिक्स उनके जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उन्हें मैनेज करते हैं। In most societies, resources are allocated not by an all-powerful dictator, but through the combined action of millions of households and firms. कह रहा है कि जो बहुत से societies के लोग होते हैं वो resources के जो जिन resources को allocate करना होता है वो सिर्फ powerful dictators के through ही allocate नहीं किए जाते हैं, जबकि वो millions of households and firms के through combine करके उन्हें allocate किए जाते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के थ्रू एलोकेट किए जाते हैं। थर्ड थिंग जो हमें इसमें समझने की चीज़ है वो है इकोनॉमिक्स देयरफॉर स्टडिंग हाउ पीपल मेक डिसीजंस। इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि लोग किस तरह से अपने डिसीजंस को लेते हैं, हाउ मच दे वर्क, कितना काम वो करते हैं, व्हाट दे बाय, हाउ मच दे सेव, कितना वो चीज़ों को खरीदते हैं और कितना वो सेव करते हैं, हाउ दे इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, किस तरह से वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। इकोनॉमिस्ट ऑल्सो स्टडी हाउ पीपल इंटरेक्ट विद वन अनदर, फॉर इंस्टेंट एग्जामिन हाउ द मल्टीट्यूड ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ गुड टुगेदर। यानी इसके अलावा वो देखते हैं कि लोग किस तरह से आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और चीज़ों को किस तरह से एग्जामिन करते हैं, एंड जो हमारे मल्टीट्यूड बायर्स एंड सेलर्स हैं वो इकट्ठा होकर किस तरह से प्राइस को डिटरमाइन करते हैं और किस बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द प्राइस एट विच द गुड इज सोल्ड, जिस प्राइस पर गुड को सोल्ड किया गया है, एंड द क्वांटिटी दैट इज सोल्ड फाइनली इकोनॉमिक्स। यानी जिस क्वांटिटी जिस प्रोडक्ट को सोल्ड किया गया है उसकी क्वांटिटी पर। इकोनॉमिक्स एनालाइज फोर्सेस एंड ट्रेंड्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। यानी वो देखते हैं कि जो फोर्सेज है उसके थ्रू इकोनॉमिक पर क्या अफेक्ट हुआ है, द ग्रोथ इन एवरेज इनकम, इनकम में कितनी ग्रोथ है, ये द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन नॉट फाइंड अ वर्क एंड द रेट एट विच प्राइसेस आर राइजिंग। यानी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसमें कितना चेंजेस आया है प्राइस में, जो प्राइस बढ़ रहा है हमारा। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ आ गया हो। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 4-5 पेजें हैं जो याद करने के लिए हैं। पहली है कि जो हमारे हाउसिंग है, जो इकोनॉमिस्ट वो हमारे स्केयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इकोनॉमिक्स देखते हैं और स्टडी करते हैं कि पीपल क्या डिसीजंस ले रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कहाँ पर वो अपनी सेविंग्स को किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे डिक्टेटर के थ्रू एलोकेट नहीं किया जाता, हमारे रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के थ्रू एलोकेट किए जाते हैं। देन इकोनॉमिक्स देखते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरह से एक दूसरे से इंट्रैक्ट हो रहे हैं और जो हमारी बाइंग और सेलिंग पावर है उसका जो प्राइस है वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, किसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है, एट विच द गोल्ड इज गुड इज सोल्ड, यानी जिस तरह से जो गुड है उसको बेचा गया है जिस प्राइस पर, एंड द क्वान्टिटी दैट इज सोल्ड, और जो क्वान्टिटी उन्होंने बेची है उसी पर इकोनॉमिक्स देखते हैं कि उसका जो फोर्स है मार्केट फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी इकनॉमी में एज अ होल इकनॉमी। और फिर वो जज करते हैं कि जो हमारी ग्रोथ है वो एवरेज इनकम के तहत जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उसमें जो हमारी प्राइस है वो किस तरह से बढ़ रहा है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्केयरसिटी। स्केयरसिटी क्या होता है? द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट। जो हमारी सोसाइटी की रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स। जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्केयर है, यानी जो हमारे रिसोर्सेज है वो दुर्लभ हैं, संसाधन हमारे दुर्लभ हैं। स्केयरसिटी मीन्स दैट सोसाइटी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज।
स्केर्सिटी का मतलब ही है कि जो जो हमारी सोसाइटी है उसके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विस पीपल विश टू हैव जस्ट एज ईच मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड। इसीलिए हम वो सभी चीज़ें एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसका प्रोडक्शन एक साथ नहीं कर सकते जो कि हर एक मेंबर चाहता है कि उसके पास हो। यानी अगर एक फैमिली उसमें वो चाहते हैं कि उसको सभी तरह के गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किए जाएँ तो उसको सभी तरह के गुड और सर्विसेज नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम 10 प्रिंसिपल्स की। यहाँ से हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा पीपल फेस ट्रेड ऑफ। देन सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गेट गिव अप टू गेट इट। थर्ड वन इज रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। जो हमारे लोग हैं वो मार्जिन तक सोचते हैं, रैशनल पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। जो लोग हैं वो इंसेंटिव तक की लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ट्रेड कैन मेक एवरी वन बेटर ऑफ। जो ट्रेड है वो हर किसी को बेटर ऑफ बना सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। पीपल आर ग्रुप्ड इन टू सोसाइटीज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ। वन क्लासिक ट्रेड ऑफ इज़ बिटवीन गन्स एंड बटर। यानी बहुत सारे लोगों को ग्रुप में और सोसाइटीज़ में बांट दिया गया है और देखते हैं किस तरह से वो किस तरह की ट्रेड ऑफ करते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब बाय एंड सेलिंग, यानी किस चीज़ को खरीदना और बेचना। वन क्लासिक ट्रेड ऑफ इज़ बिटवीन गन्स एंड बटर। एक जो क्लासिक ट्रेड है वो है गन्स और बटर के बीच में। मोस्ट सोसाइटी स्पेंड्स ऑन नेशनल डिफेंस गन्स टू प्रोटेक्ट इट सोर्स फ्रॉम फॉरेन एक्सेसर्स। द लेस इट कैन बी स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स बटर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या बोला है यहाँ पर, बता रहा है कि एक कंट्री है जो कि क्या कर रही है कि गन्स और बटर को एग्जांपल लिया गया है। बटर और गन्स को एग्जांपल में एक कंट्री है जो कि अपना जो डिफेंस है, नेशनल डिफेंस है, उसके लिए वो गन्स को ज़्यादा खरीद रही है ताकि वो अपने कंट्री को फॉरेन एग्रेसर यानी अपने दुश्मन से बचा सके। और वो उसे अपनी गन्स जो है उस पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इस वजह से वो अपनी कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं उनको कम से कम बटर्स प्रोवाइड करवा रही है। देन है लिविंग एट होम ऑलिक्स इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। यानी एक अगर आप ऑलिक्स में रह रहे हो, एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हो, देन आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ जाता है अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ हाई लेवल इनकम लॉस। यानी या फिर तो आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में रह सकते हो या फिर तो आप एक हाई लेवल इनकम को लॉस कर सकते हो। दैट रिक्वायर्ड फॉर्म टू रिड्यूस पॉल्यूशन। यानी अगर आप इनकम को लॉस कर रहे हो तो आपको क्या है कि आपको ज़्यादा पॉल्यूशन में रहना पड़ेगा। ट्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर क्या है, जो ट्रीज है वो गुड और सर्विस की तरह काम कर रही हैं। बिकॉज द हायर कॉस्ट दीज फॉर्म्स एंड अर्निंग स्मॉलर प्रॉफिट। यानी इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी कॉस्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉस्ट लग रही है और प्रॉफिट आपको कम हो रहा है। पर पेन लोअर विजिट चार्जिंग हायर प्राइस। एंड जो विजिट है वो ज़्यादा प्राइस ले रहा है आपसे और कम से कम ट्रीज लगाकर आपको दे रहा है। और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रीज, और कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो कि ट्रीज को आपको दिखा रहा है। मोटी सी बात ये कह रहा है कि जो पहले इसने एग्जांपल किया गन्स और बटर के बीच में, यानी एक कंट्री है जो कि जिसको डील करना है गन्स और बटर के बीच में। अगर वो कंट्री अपने नेशनल डिफेंस के लिए गन्स खरीद रही है तो इसीलिए, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा गन्स की तरफ दे रही है, डिफेंस के लिए दे रही है, इसलिए वो अपनी कंट्री को एक बेटर बटर नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है। और उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल में इन्होंने बताया है हमें कि अगर आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है तो फिर आपको एक अच्छा मनी यानी इनकम देना होगा। या अगर हम कहीं पर भी स्टैंडर्ड जगह पर जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इन्वेस्ट करना होता है। यानी हम कहीं पर भी जाते हैं तो अच्छा हमें मनी जो होता है हमारा एक्सपेंस हो जाता है। जबकि अगर हम रेयर किसी छोटे टाउन में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा है, वो ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लाइक पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और क्राउड ज़्यादा होता है, रश होता है। तो यही वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपको क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
और अगर आप रहना चाहते हो स्मॉल टाउन में, तो वहाँ पर आपको ड्रश और काफ़ी सारे पॉल्यूशन की जैसी प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है कि आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाओगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट है वो कम होगा और जो उस पर इन्वेस्टमेंट है, जो इनकम है, वो ज़्यादा लगेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट अनदर ट्रेड ऑफ सोसाइटी फेस इज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी। अब दूसरा जो ट्रेड सोसाइटी फेस करती है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ही सेकेंड पार्ट है। जो मेन पार्ट है वो है कि ये इस पर एफिशिएंसी और इक्वालिटी को देखता है। एफिशिएंसी मीन्स दैट सोसाइटी इज गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट्स स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर है यानी जो सोसाइटी है वो देखती है कि जो उसको पर्संस को, जो भी पीपल्स है उसके कंट्री को, अगर उसे कोई भी सामान दे रहा है तो उसके जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जिस स्केयर रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसके बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हों, ये बात कर रहा था एफिशिएंसी की। नेक्स्ट अब बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स दैट दोज बेनिफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक समानता से, यानी जो भी चीज़ें हैं वो इक्वली सबको बांटी जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए हर एक लोगों के, सोसाइटी के हर एक मेंबर को। इन अदर वर्ड एफिशिएंसी रेफर्स टू द साइज ऑफ इकोनॉमी पाई। यानी जो एफिशिएंसी है वो किसको रेफर करती है? साइज ऑफ द इकोनॉमी पाई, यानी इकोनॉमिक जो पाई है उसको रेफर करती है। देन द क्वालिटी रेफर्स टू हाउ द पाई इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल। अब ये क्या है, ये रेफर करता है कि किस तरह से इक्वालिटी रेफर करता है कि किस तरह से इंडिविजुअली स्लाइसेस को दिया गया है। तो एफिशिएंसी मतलब कि जिससे कि उनको बेनिफिट ज़्यादा हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। इक्वालिटी मतलब चीज़ों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट। यानी द कॉस्ट ऑफ समथिंग मतलब वो कीमत जो आपने कुछ देने के बाद जो आपको मिल रहा है। तो आई होप आपने ये 11th में भी पढ़ा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज व्हाट यू गिव अप टू गेट द आइटम। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो आप देते हो किसी के बदले में। यानी आप अगर यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। व्हेन मेकिंग एनी डिसीजन मेकर्स शुड बी अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। देन अकंपनी ईच पॉसिबल एक्शन, जिससे कि आप कोई भी पॉसिबल एक्शन ले सको। इन फैक्ट द यूजली आर कॉलेज एथलेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल कि एक कॉलेज एथलेटिक्स है हु कैन अर्न मिलियंस इफ दे ड्रॉप आउट द स्कूल। अगर वो स्कूल को छोड़ देता है, कॉलेज को छोड़ देता है, तो वो काफ़ी सारे मिलियंस कमा सकते हैं। एंड प्ले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आर वेल अवेयर दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कॉलेज इज वेरी हाई। यानी अगर वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल है कि कोई भी एथलेटिक मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी एथलेटिक पर्सन है, अगर वो अपने कॉलेज में ड्रॉप कर देता है यानी ड्रॉप आउट कर बाहर जाता है, बाहर के लिए खेलता है स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे यानी इनकम मिलेंगी। लेकिन अगर वो बाहर ना जाकर कॉलेज में ही प्रोफेशनली खेलता है तो उसकी जो कीमत है, उसके जो कॉलेज है उसकी रेपुटेशन ज़्यादा बढ़ेगी इंस्टेड ऑफ हिज और हर इनकम। यानी अगर वो बाहर खेलेगा तो उसको पैसा मिलेगा, उसकी अर्निंग होगी, उसकी इनकम जनरेट होगी। जबकि अगर वो कॉलेज में खेलेगा, कॉलेज में खेलने से जो उसकी कॉलेज की रेपुटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या करना पड़ रहा है उसको, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दिख रही है कि उसके पास एक ही ऑप्शन है, या फिर तो वो कॉलेज छोड़ ड्रॉप आउट करके बाहर जाए खेले, या फिर तो वो कॉलेज के लिए खेले, तो वो उसे उसकी अर्निंग नहीं होगी। उसकी अर्निंग जो इनकम जनरेट हो रहा है वो अगर कॉलेज के लिए खेलता है तो इनकम जनरेट नहीं होती उसकी सेल्फ इनकम, और अगर सेल्फ इनकम के लिए खेलता है तो उसे कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। सिंपल से बात। नेक्स्ट रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। जो रैशनल पीपल्स होते हैं वो मार्जिन तक ही सोचते हैं, जो बेस्ट होता है उसके बारे में सोचते हैं। मार्जिन मतलब जो बेस्ट, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उन बहुत सारी में से एक बेस्ट चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होती है। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। इकोनॉमिक्स नॉर्मली अज्यूम दैट पीपल आर रैशनल। इकोनॉमिक्स क्या सोचते हैं कि जो लोग हैं वो रैशनल्स हैं। रैशनल मतलब लोग क्या करते हैं, जो जहाँ पर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है उनमें से कोई एक बेस्ट चीज़ को वो सेलेक्ट करते हैं।
Rational people systematically and purposefully do the best they can to achieve their objective. यानी वो अपना best देते हैं जिससे कि वो अपने objective को achieve कर सकें. Given the available opportunity, यानी जो भी उनको opportunities दी जाती हैं उनमें से जो best होते हैं उसे ही वो choose करते हैं. As you study economics, you will encounter firms that decide how many worker to hire. यानी अगर आपने economics पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लोग पहले decide करते हैं उनको कितने workers चाहिए होते हैं, how many workers to hire, कितने worker उनको ज़रूरत है, कितने workers को उनको hire करना है, and how much of their product to manufacture. फिर वो देखते हैं कि उनको कितने product को manufacture करना है, यानी कितने product का भी productions बाकी है जिनके लिए उनको workers को hire करना है, and the sales to maximize the profit, कि जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज हो. ऐसा ना हो कि वो जो वर्कर्स है वो ज़्यादा भर ले, फिर उसकी सेलिंग्स कम हो और जो कॉस्ट है उनके वर्कर की वो भी ना निकल पाए. तो वो देखते हैं कि उनको कितने वर्कर की ज़रूरत है, उनके पास कितना मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट बना पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग वो हायर करते हैं और देखते हैं कि उसे कितना मैक्सिमाइज प्रॉफिट उनका होगा, कितना ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट में उनका प्रोडक्ट सेल आउट होगा. You will also encounter individuals who decide how much time to spend working and what goods and services to buy with this resulting income to achieve the highest possible level of satisfaction. आपने इंडिविजुअली भी देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि काम करते हैं और वो देखते हैं कि वो अगर इतना अर्न कर लेंगे तो वो इतना ज़्यादा जितना अर्न करेंगे उनमें से ही वो ऑब्वियसली खर्च करेंगे. तो वो देखते हैं कि अगर मैं इतना कमाऊँगा तो मैं इतना पैसा खर्च कर पाऊँगा, और वो देखते हैं कि अपने इनकम को देखते हैं कि उनके पास जो इनकम है उससे वो बेस्ट रिसोर्स हैं, बेस्ट प्रोडक्ट ले सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसे लेने से सेटिस्फेक्शन मिल पाए. रैशनल पीपल नो दैट डिसीजन इन लाइफ आर रियली ब्लैक एंड वाइट. लोग जानते हैं जो वो ब्लैक जो डिसीजन लेते हैं वो ब्लैक एंड वाइट की तरह होता है, बट यूजली इन्वॉल्व शेड्स ऑफ ग्रे. यानी जो कलर आता है वो ब्लैक एंड वाइट का होता है ग्रे. यानी वो जानते हैं जो ब्लैक एंड वाइट वो डिसीजन ले रहे हैं उसमें जो डिसीजन लेंगे उन दोनों के कॉम्बिनेशन का होगा, कम्बाइंड डिसीजन होगा उनका. ऑल डिनर टाइम, यानी जब हमारे डिनर का टाइम होता है, द डिसीजन यू फेस इज नॉट बिटवीन फास्टिंग और ईटिंग. जो डिसीजन होता है वो ये नहीं होता है कि आपको खाना खाना है या फिर नहीं खाना है, आपका फास्ट है लाइक अ पिक, बट वेदर टू स्पेंड एन एक्स्ट्रा आवर रिव्यूइंग योर नोट्स. लेकिन जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है रिव्यूइंग योर नोट्स, आपको टाइम मिलता है कि आपको जो नोट्स मिले हैं उन्हें पढ़ने के लिए इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, फिर आपको डिसाइड करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अब आप उस टाइम पर क्या कर सकते हो, या फिर तो आप कोई भी गेम खेल सकते हो, टीवी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, आप अपने नोट्स को रिव्यू कर सकते हो. तो इनमें क्या है, आपको चूज़ करना पड़ता है, डिसीजंस लेना पड़ता है. अब खाने के टाइम पर तो आप ये नहीं सोचोगे ना कि आपको फास्ट रखना है या फिर आपको खाना है. So, economists use the term marginal change to describe a small increment adjustment to an existing plan of action. यानी ये कह रहे हैं इकोनॉमिक्स जो है वो यूज़ करता है मार्जिन चेंजेस को टू डिस्क्राइब अ स्मॉल इंक्रीमेंटल, यानी जो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल है उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए और किस तरह से जो प्लान है उसको एक्शन में लाया जा सके. कीप इन माइंड दैट मार्जिन मीन्स एज, यानी जो मार्जिन होता है वो एज होता है, मैथ्स में पढ़ा है ना एज स्क्वायर जो होता है उसके कॉर्नर्स को कहते हैं ना एज, वो. सो मार्जिन चेंजेस आर एडजस्टमेंट अराउंड द एजेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. यानी जो हमारे मार्जिन चेंजेस होते हैं वो क्या होता है कि जो हम एडजस्ट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसमें बीच में जो हम एडजस्ट कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं मार्जिन, मार्जिन एडजस्टमेंट्स या मार्जिन चेंजेस. रैशनल पीपल ऑफन मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग मार्जिन बेनिफिट्स एंड मार्जिन कॉस्ट. यानी जो रैशनल पीपल होते हैं वो कंपेयर करते हैं मार्जिन बेनिफिट्स को और मार्जिन कॉस्ट को. पहले तो वो देखते हैं कि जो मार्जिन कॉस्ट है यानी वो कितनी है और जो मार्जिन बेनिफिट्स हैं यानी उससे उनको क्या क्या फ़ायदे होने वाले, उन दोनों के बीच में जब वो कंपेरिजन करते हैं फिर वो एक बीच का रास्ता निकालते हैं जिसे हम कहते हैं मार्जिन चेंजेस. अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोर के बारे में. People respond to an incentive. जो लोग होते हैं वो incentive के लिए response करते हैं. An incentive is something that induces a person to act, such as the prospect of punishment or a reward. यानी ये कहते हैं कि जो incentive होता है वो लोग induce करते हैं, such as prospect of punishment, as a punishment or as a reward. और एक reward की तरह punishment
वो नहीं है जो स्कूल्स में गलती करने पर मिलती थी पनिशमेंट का, मतलब एज अ रिवॉर्ड. बिकॉज रैशनल पीपल मेक डिसीजन बाई कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट, दे रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. यानी जो रैशनल पीपल होते हैं वो कंपेयर करते हैं कॉस्ट और उसके बेनिफिट्स को, देन उनको इंसेंटिव मिलता है. यू विल सी दैट इंसेंटिव प्ले अ सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमी. आप देखोगे कि किस तरह से आपको जो इकोनॉमिक्स है वो एक जो इंसेंटिव वो किस तरह से सेंट्रल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक स्टडी में. नेक्स्ट, इंसेंटिव आर क्रूशियल टू एनालाइज हाउ मार्केट्स वर्क. यानी जो इंसेंटिव है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि किस तरह से मार्केट वर्क करता है, किस तरह से मार्केट एनालाइज करता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन द प्राइस ऑफ एन एप्पल राइज, यानी जब एप्पल का प्राइस बढ़ जाता है, पीपल डिसाइड टू ईट फेवर एप्पल्स. यानी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कम से कम एप्पल्स को खाना पसंद करते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ हायर प्राइस इन मार्केट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर बायर्स टू कंज्यूम लेस. यानी अभी क्या कह रहा है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो वो, अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो क्या करता है, जब उसका प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है, जो एप्पल है, अब क्या हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया है. पहले 20 रुपये किलो था, अब उसका जो प्राइस है वो 40 रुपये किलो हो गया है. ठीक है, तो अब बायर के पॉइंट ऑफ से सोचो तो वो क्या करेगा, जो बायर है वो चाहेगा जो उसका एप्पल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो वो जो मार्केट में जो एप्पल है उसकी सप्लाई ज़्यादा करना चाहेगा. ठीक है, जिससे कि अगर वो जितना सेल करेगा तो पहले एप्पल 20 का था, अब 40 का हो गया, तो 20 रुपये क्या मिल रहे हैं उसको, इंसेंटिव. बायर्स टू कंज्यूम लेस एंड एन इंसेंटिव फॉर सेलर टू प्रोड्यूस मोर. यहीं पर ये कह रहा है कि जो बायर्स हैं वो चाहेंगे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, बट अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो क्या करेगा कि महंगाई होने के कारण जो एप्पल है वो कम लेगा. यानी पहले जो एप्पल था वो 20 रुपये के 2 किलो लेता था, तो अब जो एप्पल है वो 40 रुपये का 1 किलो है, तो वो अब 1 किलो ही लेगा एप्पल, ज़्यादा नहीं लेगा. एज वी विल सी, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस ऑन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर इज क्रूशियल फॉर हाउ अ मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज. तो ये कह रहा है कि हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइस जो है वो चेंज होते हैं, द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. जो बिहेवियर है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की क्रूशियल डिसीजंस को लेकर, जिस तरह से मार्केट इकोनॉमी एलोकेट करती है रिसोर्सेज को जो कि स्केयर्स हैं. नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे 5th प्रिंसिपल्स के बारे में, जो है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ. एंड जो ट्रेड है वो हर किसी को बेटर ऑफ बना सकते हैं. लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. एंड अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं. हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप उस पर ले सकते हैं. सो यू मे हैव हर्ड ऑन द न्यूज़ दैट जैपनीज आर कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड. जो जैपनीज है वो पूरे ही इकोनॉमी में कॉम्पिटिट करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा. इन सम वेज दिस इज़ ट्रू. हाँ, ये सच है, बिकॉज अमेरिकन एंड जैपनीज फर्म प्रोड्यूस मैनी फॉर ऑटोमोबाइल्स. क्या कह रहे हैं, जो अमेरिकन और जापनीज है वो दोनों ही प्रोडक्शन करते हैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में, ऑटोमोबाइल्स के. एप्पल्स एंड सोनी कॉम्पिटिट फॉर द सेम कस्टमर इन द मार्केट फॉर डिजिटल म्यूजिक प्लेयर. यानी जो एप्पल और सोनी कंपनी है वो दोनों आपस में कॉम्पिटिट करते हैं सेम कस्टमर के लिए. क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं डिजिटल म्यूजिक प्लेयर का. अब इससे क्या फर्क पड़ता है, पड़ते हैं. येट इट इज टू बी मिसलेड व्हेन थिंकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन अमंग कंट्रीज. यानी ये थोड़ा मिसलेड सा हो जाता है जब हम कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच का. ट्रेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड जापान इज नॉट लाइक अ स्पोर्ट कॉन्टेस्ट इन विच वन साइड विंस एंड अनदर साइड लॉसेस. यानी जो ट्रेड है वो इस तरह का नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स की तरह का नहीं है. यूनाइटेड स्टेट और जापान के बीच का जो ट्रेड है वो एक स्पोर्ट कॉन्टेस्ट की तरह नहीं है, जो कि जिसमें कि हार या जीत होती है. इनफैक्ट द अपोजिट इज ट्रू. यानी इसका जो विपरीत है वो सच है. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन मेक ईच अदर ईच कंट्री बेटर ऑफ. एंड जो ट्रेड है वो दो कंट्रीज़ के बीच का वो एक दूसरे को क्या बनाता है, बेटर ऑफ, यानी अच्छा और अच्छा बनाता है. टू सी वाई कंसिडर हाउ ट्रेड अफेक्ट योर फैमिली. अब देखते हैं हमें कि किस तरह से ट्रेड ऑफ हमें अफेक्ट करता है हमारी फैमिली को.
व्हेन अ मेंबर ऑफ योर फैमिली लुक्स फॉर अ जॉब, जब आपके घर को कोई भी पर्सन जॉब्स के लिए देखता है, फैमिली इज ऑल्सो कॉम्पिटिट अगेंस्ट वन अनदर, जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं. क्या होता है, व्हेन दे गो शॉपिंग बिकॉज ईच फैमिली वॉन्ट्स टू बाय द बेस्ट गुड्स एट द लोवेस्ट प्राइस, इन अ सेंस ईच फैमिली इन द इकोनॉमी इज कॉम्पिटिटिंग विद ऑल अदर फैमिलीज. क्या कह रहे हैं कि जो ट्रेड ऑफ है वो किस तरह से गुड है या बेटर ऑफ है हमारे लिए. फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी फैमिली है, फैमिली में जब भी कोई जॉब करता है वो कैसे आता है, वो भी एक दूसरे से कॉम्पिटिट करता है. जब भी कोई भी पर्सन शॉपिंग के लिए जाता है आपकी फैमिली में से, तो वो क्या चाहता है कि वो अच्छे से अच्छी चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें खरीद कर दे, बेस्ट क्वालिटी हो और उसका जो प्राइस है वो भी कम हो. तो इस तरह से जो फैमिली में उसमें आपस में कॉम्पिटिशन होता है, तो वो यही चीज़ कह रहा है. उससे क्या होता है, जो बेस्ट चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ पर उनको अलग अलग वैरायटी मिलती है, उस वैरायटी में जो प्राइस होता है और जो क्वालिटी होती है उन दोनों के सेलेक्ट करके वो अपनी पसंद की चीज़ें ले लेते हैं. तो इससे उनको उनका भी फ़ायदा हो जाता है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें और वो भी अलग अलग प्राइस पर मिल रही है, जिससे कि जो उनके फ़ायदेमंद होती है वो उसे परचेज़ कर लेते हैं. अब क्या कह रहे हैं, इसी तरह से जो फैमिलीज होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं. तो आज का लेसन हमारा ख़त्म हुआ. आज हमने पढ़ा है फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. बेसिक है हमारे चैप्टर का, यूनिट फर्स्ट का जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट टॉपिक यही था. आई होप आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लें और जो भी आपको पढ़ाया गया वो समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.